मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आज भक्तों की भीड़ लगी है। मंदिर के कपाट आज शनिवार सुबह 4 बजे से ही भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। वहीं सुबह भूत भावन भगवान का दूध दही सहज चंदन से अभिषेक किया गया और सुबह 11 बजे बाबा पशुपतिनाथ को दूल्हे की तरह श्रृंगार किया गया। विदेश से मंगवाए गए विशेष गुलाब के फूल के श्रृंगार के साथ बाबा भोलेनाथ को फूलों की पगड़ी पहनाई गई। सुबह कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया जो रात भर चलेगा। वहीं शाम को मंदिर परिसर से लेकर शहर से चौक चौराहे और हर घर तक करीब 1 लाख दीप एक साथ प्रज्वलित होंगे। सिवाना तट पर 1 घंटे भव्य आतिशबाजी की जाएगी। इसके साथ ही शिव केंद्रित नृत्य अनुसर जैन इंदौर एवं साथ ही दिल्ली द्वारा नृत्य एवं भजन की प्रस्तुति देंगे। गांव है चिड़ावा, यहां पर आके बहुत खुशी हुई है और आज शिवरात्रि का दिन भी है और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और सबकी भगवान करे भोलेनाथ बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और सबको शुभ आशीर्वाद दे और सबकी मनोकामना पूरी करें और सुख शांति बनाए रखें। आज सुबह प्रतिवर्ष इस वर्ष भी सुबह 4 बजे भगवान के पट खुले, दर्शनार्थियों की भीड़ थी, सुबह अभिषेक हुआ, आरती हुई, भोग लगा, उसके बाद दिन भर जो है भक्त लोग जब आ रहे हैं और अपने अपने दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। आज विशेष रूप से शिवरात्रि की वजह से शाम को 4 पहर 4 अभिषेक होंगे, 4 पहर की 4 आरती होगी, 11 बजे होगी, 1 बजे होगी, 3 बजे होगी और 5 बजे होगी। इस प्रकार से 4 पहर की आरती होगी और आज विशेष रूप से 11,000 दीपक लगेंगे तो भगवान शिवरात्रि को दीपोत्सव के रूप में मनाया जाएगा।